इस न्यूज के प्रायोजक हैं मेट्रो, बाइक, कार, ट्रक, इन्वर्टर, बैटरी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, वापी चार रास्ता, कॉन्टेक्ट 8000036001। नमस्कार, मैं सोनिया चौहान पब्लिक वॉइस से आज यहाँ पर वल्लभ आश्रम के बाहर हाईवे पे खड़ी हूँ, नेशनल हाईवे नंबर 48 ब्रिज ओवर ब्रिज के पास, जहाँ पे कल रात को 11:30 बजे एक एक्सीडेंट हुआ है। माना जा रहा है कि मुंबई की तरफ, सूरत से मुंबई की तरफ एक टेम्पो जा रहा था, टेम्पो चालक बेकाबू, उसने काबू खोने के बाद वो डिवाइडर के इस तरफ आया, अहमदाबाद की तरफ का जो रोड है वो उस तरफ आकर यहाँ पर एक ट्रक से टकराया। दो ट्रक और एक गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में जो ट्रक ड्राइवर है वो वहीं पर झुलस के उनकी मृत्यु हो गई है और जो क्लीनर थे उन्हें तुरंत सार्वर के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, बट बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी इस वक्त पे सुबह के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी भी ये आग झुलस रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो ये एक्सीडेंट और आग कितनी भीषण होगी आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियोस देखकर। यहाँ पर जो ड्राइवर है उनके पहचान वाले लोग आए हैं, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं गाड़ी का मुआयना करने, उनसे बात कराती हूँ मैं आपकी। सर, ये क्या एक्सीडेंट आपको कब मालूम पड़ा ये एक्सीडेंट हुआ है? ये रात को 1:30 बजे आपको पता चला ये एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी। तो आप जो यहाँ पर जो इनका एक्सीडेंट हुआ वो आपके क्या लगते हैं? ये हमारे साथ में धंधा करते थे, गाड़ी चलाते थे, आज कम से कम 10-15 साल से गाड़ी चला रहे हैं जी। और ये इनका गाड़ी 3 नंबर लाइन पे था, एकदम लास्ट लाइन पे गाड़ी 50-60 की स्पीड में चल रही थी जी। और ये सामने से आया और इतना फास्ट में ये कंटेनर था कि उसका कोई बेकायदा नहीं थी। देखो कि आपको मालूम भी पड़ रहा होगा कि नीचे गया हवे से सीधा नीचे जी, हमने देखा। और ये जो हमारे मित्र थे मांगीलाल जी, वो तो चला गए, उनके घर के लाडले थे, उनके बिना, उसके बिना कोई चल नहीं रहा था, ये पूरा परिवार संभालते थे, उनके माँ बाप सब राजस्थान में रहने हैं। हाँ, मंगलाराम जी जो हमारे थे पुरोहित, राज पुरोहित, ये कम से कम 10-15 साल से चलाते थे, उनको कोई, हाँ उनका, हाँ उनके छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कमाते थे खाते थे और कुछ नहीं बोल सकता। इनके परिवार को बहुत सारा दुख पड़ा है अभी आजकल जी, वो दिख रहा है, वो जिस हिसाब से जो कंडीशन हम देख रहे हैं अभी भी धुआं निकल रहा है ट्रक में से। और इनकी गाड़ी पे लोन भी था जी, अच्छा बहुत सारा लोन था और माल भी ओवरलोड, कुछ ऐसी कुछ कमाने वाला एक ही आदमी था। हाँ, उनके घर में परिवार में कम से कम 10-15 लोग हैं। और ये कंटेनर जो ठोका है इसने, ये वहाँ ये वो साइड से ये साइड में ठोका है सीधा, मुंबई की तरफ जाने वाली। और इसके पीछे, इसके पीछे ठोका तो गाड़ी पीछे से आ रही थी और एक हमारे मारवाड़ी वो भी एक्सपायर हो गए हैं। वो भी हमारे ग्रुप की गाड़ी है। अच्छा, वो भी आपके ग्रुप की गाड़ी? हाँ, ग्रुप की गाड़ी थी, दोनों आदमी दोनों खत्म हो गए, दोनों का आदमी खत्म हो गए, वो भी छोटे परिवार के आदमी थे, वो एकदम मतलब गरीब परिवार के, 14 फुट का गाड़ी था, वापिस से खाली करके जा रहा था। इनको कोई जात का व्यसन नहीं था, कुछ नहीं, ये खाना वापी खा के निकले थे और ये अहमदाबाद रुके। दूर है वहीं पर ले जाते हैं। देखिए, तो इन तक जोर से क्लास हो गया।
टायर बहुत गया था, कोई टायर फूटा था, जोर में आवाज आया ब्लास्ट की, मैंने देखा। Thank you.